सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त और इस चैनल का होस्ट जसवंत। स्वागत करता हूं आप सभी का गेमिंग विद जसवंत यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि यूट्यूब पर बहुत ही कम आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं आप इसी प्रकार का नॉलेजेबल और अच्छा कॉन्टेंट, ऐसे ही और भी प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के गेमिंग वीडियोज आप देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई भी ऐसा ही टिप्स एंड ट्रिक्स पे वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाए। और दोस्तों, अगर कहीं आप सभी लोगों ने हमारा गिव अवे ज्वाइन नहीं किया है, जो कि जोटा कैरेक्टर का चल रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, आप जाके जो है गिव अवे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपका लक रहा तो आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप टॉप अप कर लीजिएगा, गिव अवे के भरोसे मत रहिएगा, हो सकता है आपका नंबर ना भी लगे। तो कुल 5 बंदों को मिलेगा जोटा कैरेक्टर। तो आप अगर कहीं गिव अवे ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहली टिप के ऊपर हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी टिप नंबर 1 है, वो है लैंडिंग। तो फ्रेंड्स, जब भी हम रैंक खेलते हैं तो लैंडिंग हमारी मतलब बहुत ही डिफिकल्ट ऑप्शन होता है हमारे लिए चूज़ करना। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को सारे के सारे वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि आप अपने फेवरेट प्लेस पे उतरा कीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरा फेवरेट प्लेस है ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, तो मैं ऑब्जर्वेटरी में उतर गया। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं जहां पर आप उतर रहे हैं, अगर कहीं वहां पे 3 से 4 एनिमी उतर रहे हैं, तो आपको उनको कंट्रोल कैसे करना है वो इस टिप के थ्रू मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं जो हूँ यहाँ पे उतरा हूँ, सोलो वर्सेस डुओ का गेम चल रहा है और मैं यहाँ पे उतरा हूँ। तो यहाँ पर एक और डुओ जो है आ चुका है, अभी एक और डुओ आया है, तो उसको मुझे मैनेज कैसे करना है तो वो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, आप देख पा रहे हो, सबसे पहले मैं यहाँ पर उतरा, उतरने के बाद जो है मेरे को कुछ नहीं मिला, एक छोटा सा गन मिला है 2 गोली वाला, ठीक है, ये गन मिला। एंड इससे मैंने जो है ये जोकर की ड्रेस जिस बंदे ने पहनी थी उसको मैंने 2 गोली मारी एंड वो बंदा नीचे की साइड चला गया। तो गाइज, मैंने उसका पीछा नहीं किया। आप सभी लोग क्या करते हो, अगर आपने किसी बंदे को 1 से 2 गोली मार दी और उसको थोड़ा सा भी डैमेज पड़ गया, तो आप उसका पीछा करके उसको मारते हो। आपके पास कोई लूट नहीं है, वेस्ट भी नहीं है, ग्लोअल भी नहीं है, एक छोटा सा गन है, आप उसको कैसे मार दोगे। तो आप सभी लोगों को जो है पहले लूट पे ध्यान देना है उतरने के बाद, ठीक है। अगर आपके पास सही थोड़ी बहुत भी सही लूट होगी तो आप जीत जाओगे। यहाँ पर आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सामने एक बंदा आ गया अचानक से। तो यहाँ पर देखो, मैंने जो है मारा बंदे को थोड़ा और ग्लोअल लगा लिया एंड यहाँ पर जो छोटा सा गन है उससे उसको मारा, उसको मतलब उस बंदे को मैंने मारने का चांस ही नहीं दिया, उस बंदे ने मुझे नहीं मार पाया। और फ्रेंड्स, अगर मेरे पास क्यूपिड स्कार नहीं होता तो मैं इन बंदों को कैसे मार लेता। तो आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, जब भी आप लैंडिंग करें तो लूट पे ध्यान दें, उसके बाद आप इस तरीके से फाइट लें। जैसा कि मैंने आपने पीछे देखा वीडियो में, मैंने एक छोटे से बॉक्स का कवर ले लिया था, तो आपको भी ऐसे कवर लेके आराम से फाइट लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये टिप कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो यार, अभी हम बात कर लेते हैं हमारे टिप नंबर 2 के ऊपर, जो कि है फॉलो द एनिमी विदाउट फायरिंग। मतलब जब भी आपको, जैसे मान के चलिए आप गेम खेल रहे हैं एंड सामने आप देख पा रहे हो आपके सामने एनिमी है, ठीक है, तो आपको एनिमी को फ्रेंड्स चुपचाप आराम से फॉलो करना है। मतलब एनिमी दिखा तो तुरंत फायर नहीं करना, अगर आपके पास साइलेंसर है फिर भी फायर मत करो, कोशिश करो कि आप उसके नज़दीक जाओ, या मतलब दूर से भी मारो तो आप सोच समझ के मारो। आप देख पा रहे हो एनिमी ने मेरे को नहीं देख पाया था एंड मेरे को पहले से पता था एनिमी मेरे सामने आया, मैंने एनिमी को तुरंत मार दिया गन लेके। अब एनिमी को तो पता नहीं था कि मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ एंड जैसे वो अचानक से पीछे आया तो मैंने जो है उसको तुरंत से जो है गोली मार दी, जिसके कारण वो बंदा मारा गया। तो चलो यार, अभी हम बात कर लेते हैं हमारे टिप नंबर 3 के ऊपर। तो टिप नंबर 3 है इम्प्रूव स्किल्स। तो फ्रेंड, ये टिप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जो है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, अपनी हाथों की स्पीड को बढ़ाना होगा और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको देखनी होगी, इम्प्रूव आपको स्किल्स करनी होगी। तो आप देख पा रहे हो सामने एक एनिमी है, अभी आपको ये टिप समझ में नहीं आ रही होगी, अभी आपको आ जाएगी समझ में। तो आप देख पा रहे हो सामने एक एनिमी है, अभी उस एनिमी को देखो मैं कैसे मारता हूँ। एनिमी पत्थर के कवर में है, तो देखो यहाँ पर देखो मैंने उस एनिमी को मारा सिटअप हेडशॉट, ठीक है। तो आपको ऐसी थोड़ी बहुत स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। तो आप एक और हेडशॉट देख लीजिए, एक और मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, आपको जो है ऐसी स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। सिटअप हेडशॉट कैसे मारे उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और आप चले जाओगे सिटअप हेडशॉट की वीडियो के ऊपर, ठीक है।
तो ऑटो हेडशॉट का वो वीडियो है वो आप देख लेना एंड उस टिप को फॉलो करना। फॉलो करने के बाद आप जो है ऑटो हेडशॉट ट्रिक सीख जाओगे एंड जैसे ही आप वो ट्रिक सीखोगे तो आपका गेम प्ले आपको करना एकदम ईजी सा लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से ही आप वीडियो को देख सकते हो। आप चैनल पे जाके देखोगे नहीं मिलेगी क्योंकि वीडियो मैंने अनलिस्टेड करके रखी हुई, तो लिंक पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, क्लिक करो और वीडियो को देखना ज़रूर, ठीक है। उससे आपसे लोगों का गेम प्ले एकदम ईजी हो जाएगा। तो चलो यार अभी हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 4 के ऊपर जो कि है क्लेवर लाइक फॉक्स, मतलब लोमड़ी से भी तेज दिमाग आपको रखना होगा जब आप गेम खेलोगे। तो आप देख पा रहे हो सामने जो है यहाँ पर एक एनिमी है, ठीक है, यहाँ पर एनिमी है, एनिमी जो मेरे को दिख रहा है, बट यहाँ पर मैंने देखो इमोट दिखाया एंड एनिमी को मैंने मारा। एनिमी भी बहुत शातिर था तो वो कूद गया। अभी मैंने यहाँ पर दिमाग चलाया कि एनिमी आया है तो सामने आएगा यहाँ पे, एंड गाइज ऐसा ही हुआ। तो गाइज ये होता है आपका दिमाग, ठीक है, आपको लोमड़ी से भी तेज आपका दिमाग चलाना है, समझ रहे हो कि मतलब बंदा यहाँ से निकला है, यहाँ से गिरा है तो कहाँ पे जाएगा, ठीक है। अगर आप ये ध्यान रखोगे, इतना तेज अपना दिमाग चलाओगे तो आप जो है अपना गेम प्ले अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे और एक प्रो प्लेयर फ्री फायर में बन पाओगे। तो दिमाग को हमेशा तेज चलाना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं फ्रेंड्स हमारी टिप नंबर 5 के ऊपर जो कि हमारी लास्ट टिप है जो कि है टेक सेफ जोन 5, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे बंदे क्या करते हैं जब सेफ जोन में भागते हैं तो मतलब भागते जाते हैं और अंदर जाके बैठ जाते हैं। आप सभी लोग फ्रेंड्स देखो यहाँ पर मेरे पीछे बंदे हैं तो सबसे पहले तो मैं उनके आगे आ गया। ये फ्रेंड्स पहली नंबर टिप है, ठीक है। सेफ जोन जब आप कवर कर रहे होते हो तो आपके पीछे जब भी कोई एनिमी होता है तो उसको ऐसे मत छोड़ा करो, ठीक है। आप क्या करो मतलब आगे जाने की कोशिश करो सबसे पहली बात। अगर आप उनसे आगे हो तो उनको जो है सर्किल के अंदर मत आने दो, उनको जो है वहीं पे जोन के अंदर ही आप उनको किल कर दो, ठीक है। अभी आप देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। और फ्रेंड्स आपको एक बात का और खास ख्याल रखना है कि आपको कोई एनिमी और पीछे से नहीं मार दे। तो देखो मैंने यहाँ पर ग्लूवल लगा लिया एंड जो पीछे जो एनिमी सेफ जोन में फंसा हुआ है एंड उसको जो मैंने आराम से डाउन कर दिया। अभी उसका टीममेट आ रहा तो मैंने टीममेट के ऊपर फायर किया एंड उसने ग्लूवल लगाया और वहाँ पर पीछे से एक एनिमी ने उसको मार दिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सब लोगों ने देखा कि मैंने सेफ जोन का फाइट लिया एंड सेफ जोन का फाइट भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि जब भी आप सेफ जोन कवर करें या पीछे एनिमी है तो आपको सबसे पहले एनिमीज के आगे आ जाना है एंड गाइस आपको एनिमीज को सेफ जोन के अंदर नहीं आने देना, बाहर ही उनको किल कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको ये टिप्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ऑटो हेडशॉट का वीडियो देखना जिससे आपका गेम प्ले और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड गाइस मैं जो हूँ उस वीडियो को पब्लिक कर दूंगा जल्दी, अभी कुछ दिनों के लिए नहीं कर रहा हूं, उसके बाद पब्लिक कर दूंगा, तो अभी जाके देख लो। एंड गाइस आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। यार मेरे भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ को बनाने में, आप सभी लोग समझ सकते हो, और सपोर्ट करो यार गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब जरूर करना यार क्योंकि इस टाइम हमें सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि आने वाले सारे सारे वीडियोस नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलते रहे। तो यार चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।